नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से प्लास्टिक की एक सीट आती है जिसको हम कारपेट बिनेमल या फिर पीबीसी सीट बोलते हैं। इसको आप अपने फ्लोर यानी कि फर्श पर लगाकर फर्श की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यदि आप 2023 में पीबीसी सीट लगाने की सोच रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से कारपेट लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा, ये कारपेट आपको कितना रुपए स्क्वायर फीट मिलेगा और इसके साथ साथ इस कारपेट को चिपकाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल लेना पड़ेगा और चिपकाने के लिए जो मिस्त्री आएगा या फिर कारपेंटर आएगा वो आपसे कितना पैसा लेगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि फ्लोर कारपेट इंस्टॉलिंग रेट 2023 यानी कि 2023 में फ्लोर यानी कि फर्श पर कुछ इस तरीके से यदि आप कारपेट लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो यदि हम कारपेट प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 12 रुपये यानी कि 12 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच अच्छे से अच्छा कारपेट मिल जाएगा। और यदि हम इस कारपेट की बात करें तो ये कारपेट हमें 21 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला था। इसका रेट मैंने 2023 में ही पता किया था, हालांकि 2022 में भी इसका सेम टू सेम यही रेट था, 21 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, सो ओवरऑल यदि आप कारपेट लगाने की सोच रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप 12 रुपये से लेकर 15 रुपये स्क्वायर फीट वाले कारपेट को खरीद लीजिए। ठीक है, और यदि आपका जो बजट है वो थोड़ा मीडियम में है तो आप 15 रुपये से लेकर 20 रुपये वाला खरीदिए, और यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 21 रुपये से लेकर 35 रुपये पर स्क्वायर फीट वाले कारपेट को खरीद लीजिए। आपका जो कारपेट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन आपको कारपेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमें 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाना है तो हमारा कारपेट एसआर लेबर रेट मिलाकर टोटल कितना खर्च हो जाएगा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम रूम के साइज़ की बात करें तो यहाँ हमें 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाना है तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो रूम का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रिथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 10 फीट है और ब्रिथ जो है यानी कि चौड़ाई जो है वो 12 फीट है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद 120 स्क्वायर फीट आया, यानी कि इस 120 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें कारपेट लगाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें मार्केट से 120 स्क्वायर फीट कारपेट खरीदना पड़ेगा। तो फ्लोर का पूरा एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जितना कारपेट लगेगा उसका रेट निकालना है। तो यहाँ पर 120 स्क्वायर फीट कारपेट लगेगा तो 120 स्क्वायर फीट कारपेट के यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में हमने सेलेक्ट किया कि हम 21 रुपये पर स्क्वायर फीट वाले कारपेट को लगाएंगे। ठीक है, यदि आप 12 रुपये स्क्वायर फीट वाले कारपेट को लगा रहे हैं तो आप 12 से गुणा कर देंगे, और यदि आप 20 रुपये स्क्वायर फीट वाले कारपेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप 20 रुपये से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम 21 रुपये स्क्वायर फीट वाले कारपेट को सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 21 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कारपेट का टोटल रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2520 रुपये हो गया, यानी कि 2520 रुपये का हमारा कारपेट हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी रूम को माप कर पता कर सकते हैं कि उस रूम में टोटल कितने रुपये का कारपेट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कारपेट का प्राइस निकाल लिया जो कि 2520 रुपये आया। कारपेट का प्राइस निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एसआर निकालना है। यदि हम एसआर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कारपेट को कुछ इस तरीके से फ्लोर पर चिपकाया जाता है। तो इस कारपेट को चिपकाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया जाता है उसको हम एसआर बोलते हैं। तो यदि आपको 120 स्क्वायर फीट के एरिया में कारपेट लगाना है तो आपको लगभग हाफ लीटर एसआर खरीदना पड़ेगा। और यदि हम हाफ लीटर एसआर के प्राइस की बात करें यानी कि आधा लीटर एसआर के प्राइस की बात करें तो आपको 250 रुपये का एक एसआर का आधा लीटर वाला बॉटल मिल जाएगा। 250 रुपये का हमारा एसआर हो गया। एसआर के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कारपेट को चिपकाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको लेबर बुलाना पड़ेगा। यदि आप खुद चिपका सकते हैं तो कोई बात नहीं, और यदि आप खुद नहीं चिपका पाएंगे तो आपको लेबर बुलाना पड़ेगा। ठीक है, लेबर जो है कुछ इस तरीके से फ्लोर यानी कि फर्श के हिसाब से कारपेट की कटिंग करके कारपेट को कुछ इस तरीके से फ्लोर पर चिपका देगा। तो इतना सब कुछ करने का कोई भी मिस्त्री आएगा या फिर कोई भी लेबर आएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 500 आपका लेबर रेट हो गया। अब चलिए टोटल करके देखते हैं कि
120 स्क्वायर फीट के एरिया में, यानी कि 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2500 रुपये का कारपेट हो गया, SR 250 रुपये का हो गया और इसके साथ साथ लेबर रेट 500 रुपये हो गया। तो लेबर मटेरियल सभी कुछ मिलाकर आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाने पर टोटल 3270 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 3270 रुपये का खर्च हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाने वाले हो और यदि आप कारपेट का नॉर्मल बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3270 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।